पाकिस्तान को भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने की आदत सी हो गई है, फिर बात चाहे कश्मीर की हो या पिछले ही साल राम मंदिर पे आया फैसला हो, या फिर हो बुधवार को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में या सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला जिस पर पाकिस्तान बयानबाजी करने से बाज नहीं आया। सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती समेत तमाम 32 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया, तो आतंकवाद की खेती करने वाला पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, अगर दुनिया के तथाकथित सबसे बड़े लोकतंत्र में इंसाफ का थोड़ा भी एहसास होता तो वो लोग जिन्होंने खुलकर एक आपराधिक कृत्य की डींग हाकी थी वो बरी नहीं हुए होते। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने लिखा है, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल बाबरी मस्जिद परिसर को उन्हीं लोगों को राम मंदिर बनाने के लिए देने का फैसला देकर एक गलत राह दिखा दी थी जिन्होंने ऐतिहासिक मस्जिद को गिरा दिया था, और आज का फैसला उस फैसले के खिलाफ है जिसमें ये बात दर्ज की गई थी कि विध्वंस न्याय के शासन का प्रबल उल्लंघन था। पाकिस्तान को मथुरा का डर भी सताने लगा है, इसलिए पाक विदेश मंत्रालय ने मथुरा का जिक्र करते हुए कहा, अयोध्या के फैसले से उत्साहित होकर हिंदू कट्टरपंथी अब सरकार में बैठे आरएसएस समर्थकों की शह पर मथुरा में कृष्ण मंदिर के बगल में स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार से आग्रह किया है कि वो अल्पसंख्यकों और खासकर मुसलमानों और उनके धर्म स्थलों और इस्लामी स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। दुनिया भर के देशों के सामने झोली फैलाने में माहिर पाकिस्तान ने बाबरी केस पर आए फैसले के बाद एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के आगे गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। उसने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी अपेक्षा की है कि वो भारत में इस्लामी धरोहरों की रक्षा के लिए अपनी भूमिका निभाएंगे। धर्म के नाम पर बना जो पाकिस्तान खुद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करता है वो भारत को नसीहत दे रहा है। मौजूदा हालात की ही बात करें तो पाकिस्तान में मुस्लिम ही मुस्लिमों का दुश्मन बना हुआ है। शिया मुसलमानों के खिलाफ लाखों सुन्नी मुसलमान सड़कों पर उतर आए हैं। शियाओं को मारा पीटा जा रहा है, उनकी मस्जिदों, इमामवाड़े को निशाना बनाया जा रहा है। ये घटनाएं बताती हैं कि पाकिस्तान से खुद का घर तो संभलता नहीं, चला है भारत के आंतरिक मामले में दखल देने।